नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। राष्ट्रीय कैडेट कोर को लेकर रक्षा मंत्रालय की तरफ से गठित 15 सदस्यों वाली कमेटी में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी शामिल हो गए हैं। इसके अलावा इस कमेटी में बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा को भी शामिल किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने एनसीसी को पहले से और अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए उसकी व्यापक समीक्षा के लिए इस कमेटी का गठन किया है। राज्य के पटना स्थित बिहटा में स्थापित कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल में मेडिकल कॉलेज बनेगा। अब इसे ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के रूप में संचालित किया जाएगा। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने 500 बेड के इस अस्पताल में मेडिकल कॉलेज संचालित करने को लेकर मंजूरी प्रदान कर दी है। अपने पसंद का जीवन साथी चुनने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बार फिर कहा है कि यह दुर्व्यसक लोगों को पूरी तरीके से इसका अधिकार है। कोर्ट ने कहा है कि भले ही वो चाहे किसी भी धर्म के हो, यह उनका अधिकार है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि इस पर लड़की या लड़के के माँ बाप भी अनापत्ति नहीं जता सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन के अवसर पर जमुई सांसद चिराग पासवान ने उन्हें बर्थडे विश किया और लिखा कि भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ईश्वर आपको उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन प्रदान करे। बैंक ऑफ बड़ौदा ने त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए अपनी होम लोन और कार लोन की दरों पर छूट का ऐलान किया। इससे पहले भारतीय स्टेट बैंक भी होम लोन की ब्याज दरों को कम करने की घोषणा कर चुका है। बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन और कार लोन पर मौजूदा दर में 0.25% की छूट की पेशकश कर चुका है। इसके अलावा बैंक ने होम लोन की प्रोसेसिंग फीस में भी छूट देने का ऐलान किया है। बिहार में एक बार फिर से अचानक से एक शख्स के बैंक खाते में मोटी रकम आने की खबर सामने आई है। पहले खगड़िया, फिर कटिहार और अब मुजफ्फरपुर में आई इस खबर ने लोगों को हैरान कर दिया है। एक बुजुर्ग शख्स के बैंक खाते में अचानक 52 करोड़ आने से लोग अचंभे में पड़ गए हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। नितिन गडकरी ने हरियाणा के सोहना में कार्यक्रम को भी संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने लंबे कार्यकाल के अनुभव भी वहां पर मौजूद अभियंताओं और पत्रकारों के साथ साझा किए। बिहार के कटिहार में एक ऐसा गाँव है जहाँ हर घर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भक्त है। 3 वर्ष पहले गाँव के एक हनुमान मंदिर में नरेंद्र मोदी की भी प्रतिमा स्थापित की गई। यहां के लोग पीएम को विकास का देवता मानते हैं। लोग सुबह शाम उनकी पूजा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एससीओ शिखर सम्मेलन को आज संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अफगानिस्तान के हालात के बाद चुनौती और बढ़ गई है। शांति और सुरक्षा को लेकर चिंता करने की जरूरत है। बढ़ती कट्टरता से निपटने की हमें बेहद जरूरत है। बेरोजगारों को भत्ता देने के लिए सरकार ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना नाम से एक स्कीम शुरू की है। इस योजना के तहत 50,000 से ज्यादा लोग लाभान्वित हुए हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम इस स्कीम को चलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देश भर में एक विशेष अभियान चलाया है और रिकॉर्ड वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा है। देश भर में मात्र 6 घंटे में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है और भाजपा कार्यकर्ता लगातार लोगों को कोविड-19 रोधी टीके के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के न्यूक्लियर सबमरीन समझौते से भड़के चीन ने अब भारत के मिसाइल कार्यक्रम पर सवाल उठाया है। चीन ने साल 1998 के परमाणु परीक्षण के बाद जारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का हवाला देते हुए चिंता जाहिर की है। पाकिस्तान ने दुनिया की ताकतों के सामने एक बार फिर पुरानी चाल चल दी है। इस बार बिसात पाकिस्तान की जमीन पर नहीं बल्कि अफगानिस्तान की सियासी जमीन पर बिछाई गई है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के साथ ही उनके कैबिनेट के लगभग सभी मंत्रियों और एनएसए मोईद यूसुफ ने ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी है। अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं तो आप आसानी से अपनी रुकी हुई किश्त की राशि अब पा सकते हैं। बता दें कि पीएम किसान योजना के अनुसार अगर किसी किसान का लाभार्थी सूची में नाम शामिल हो गया और किसी कारणवश किश्त अटकी हुई है तो अगली किश्त के साथ पिछली किश्त का भी पैसा साथ में मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से सभी स्कूल और कॉलेज को 2 दिन के लिए बंद करने का ऐलान किया है। हालांकि इस बार स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने की वजह कोरोना वायरस नहीं बल्कि बारिश है। दरअसल यूपी में भारी बारिश को देखते हुए राज्य सरकार ने 2 दिन यानी कि 17 और 18 सितंबर को राज्य के सभी स्कूल कॉलेज को बंद रखने का आदेश जारी किया है। भारत परमाणु सक्षम अग्नि-5 मिसाइल का पहला उपयोगकर्ता परीक्षण करके इतिहास सृष्टि के मुकाम तक पहुंच चुका है। 5,000 किलोमीटर रेंज की यह मिसाइल एक लॉन्च में कई लक्ष्यों को नष्ट कर सकती है। इस मिसाइल के सफल परीक्षण के उपरांत भारत की गिनती उन 8 देशों में की जाएगी जिनके पास इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ICBM मौजूद है।
शिरोमणि अकाली दल केंद्र के 3 कृषि कानून के 1 साल पूरा होने पर इनके खिलाफ आज यानी कि शुक्रवार को दिल्ली में प्रदर्शन कर रहा है। हालांकि इन सभी को दिल्ली के बॉर्डर पर ही पुलिस ने रोक दिया था, लेकिन कुछ लोग किसी तरह दिल्ली में प्रवेश कर गए। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर पर बैरिकेडिंग लगा दी थी और अब अकाली दल के नेता बॉर्डर पर ही बैठकर आगे की रणनीति पर विचार कर रहे थे। कोरोना संक्रमण के चलते विश्व भर के चिकित्सकों और हेल्थ केयर वर्कर्स पर बहुत दबाव था। आईसीएमआर ने एक स्टडी में यह कहा है कि कोरोना संक्रमण का देश के स्वास्थ्य कर्मियों पर मनोवैज्ञानिक असर पड़ा है। आईसीएमआर की स्टडी से पता चला है कि काम में घंटों में वृद्धि और व्यक्तियों के दुर्व्यवहार तथा महामारी के चलते अतिरिक्त जिम्मेदारियों का स्वास्थ्य कर्मियों पर मनोवैज्ञानिक असर पड़ा है। आज पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई देने वालों का तांता सुबह से लगा रहा। खास लोगों से लेकर आम लोगों तक पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दे रहे थे। प्रधानमंत्री को बधाई देने के क्रम में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने भी पीएम मोदी को बधाई दी। वहीं दूसरी तरफ पैरालंपिक मेडलिस्ट अवनी लेखरा ने भी सोशल मीडिया पर पीएम की लंबी आयु की कामना करते हुए उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज शिमला में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एपीजे अब्दुल कलाम और प्रणब मुखर्जी के बाद राज्य विधानसभा को संबोधित करने वाले तीसरे राष्ट्रपति होंगे। विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि वो राज्य के बहादुर सैनिकों को सलाम करते हैं। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह वृहस जम्मू फ्रंटियर के 2 दिवसीय दौरे पर यहां पहुंचे हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा स्थिति और जवानों की तैयारियों की समीक्षा उन्होंने की। अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी। 25 अगस्त को बल प्रमुख का पदभार संभालने के बाद सिंह का जम्मू फ्रंटियर का यह पहला दौरा है। पीएम मोदी के जन्मदिन के साथ ही आज सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस ट्रेंड कर रहा है। बहुत से लोग ट्विटर पर प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं कि 2 करोड़ नौकरियां कहां है। ट्विटर पर भी ट्रेंड के बीच एक तरह की रेस चल रही है। कभी राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस ट्रेंड कर रहा है तो कभी हैप्पी बर्थडे मोदी जी ट्रेंड में आगे निकल जा रहे हैं। तेलंगाना कांग्रेस प्रमुख सांसद रेवंत रेड्डी ने गधे की टिप्पणी पर नाराजगी के बाद शशि थरूर से माफी मांगी है। थरूर ने माफी स्वीकार कर ली है। रेड्डी का फोन आने के बाद उन्होंने ट्वीट किया कि मुझे रेवंत रेड्डी की तरफ से जो कहा गया था उसके लिए माफी मांगने के लिए एक दयालु कॉल आया। मैं उनके खेद की अभिव्यक्ति को स्वीकार करता हूँ। हिमाचल प्रदेश में हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी कि HRTC ने अपनी बस सेवा वाला देश का सबसे लंबा दिल्ली लेह रूट बंद कर दिया है। HRTC ने कहा है कि अब यह सेवा जून 2022 में बहाल होगी। वहीं दिल्ली लेह रूट तक जाने वाली बस जनजातीय जिला लाहौल स्पीति मुख्यालय केलांग तक अपनी सेवा जारी रखेगी। दिल्ली के 2 अस्पतालों में स्क्रब टाइफस के केस मिले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 6 साल का बच्चा भी इससे पीड़ित है। बच्चों में स्क्रब टाइफस के लक्षण दिखने के बाद डॉक्टर अलर्ट मोड पर आ गए हैं। बता दें कि इस वायरस ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में कहर बरपाया था और अब इसने दिल्ली में भी दस्तक दे दिया है। आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ में GST परिषद की महत्वपूर्ण बैठक हुई। GST काउंसिल की 45वीं बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। बैठक में कोरोना वायरस के उपचार में उपयोग की जाने वाली चुनिंदा दवाओं पर रियायत 31 दिसंबर तक बढ़ाने की बात कही गई। इसके साथ ही GST परिषद ने रियायती दरों के तहत लिस्ट में और दवाएं जोड़ने की भी मंजूरी दे दी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की आवास समेत उनके विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की। यह छापे उनके मुंबई और नागपुर समेत विभिन्न ठिकानों पर मारे गए हैं। सूत्रों का दावा है कि वरिष्ठ NCP नेता के घर यह छापेमारी उनके ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के पक्ष में सबूत जुटाने के लिए की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 34,403 नए कोरोना केस आए हैं और 320 लोगों की जान चली गई है। 37,950 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि 3,867 एक्टिव केस कम हो गए हैं। बिहार सरकार के मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की तरफ से उठाए गए कई सवालों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जब चुनाव नजदीक आता है तो मंदिर की याद आती है और भगवान याद आते हैं। मानसून के दौरान भारी बारिश के कारण देश के अनेकों राज्यों की हालत खराब है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार सुबह देवाई, नरोरा, सहवासन, अतरौली, अलीगढ़, इगलास, सिकंदरा राव, राया, हाथरस, मथुरा, जलसेर, जलेसर, टुंडला, आगरा में हल्की से मध्यम तीव्रता वाली बारिश के आसार जताए गए थे। वहीं आज भी कई राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है रामाशीष पॉल, मालती देवी, नुनु कुमार, तानिया शाह, रवि कुमार, नूरुद्दीन खान, रिया वर्मा, अमित कुमार, अजय कुमार, मोहम्मद इसराइल रहमानी। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कौन सा सोशल मीडिया ऐप आपके
आपके लिए सबसे ज्यादा लाभदायक है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।